बच्चों आज मैं आपको ना बताता हूँ ये उर्दू की हिंदी के बारे में ये 76 है, 77, 78, 79 और 80 यानी 76, 77, 78, 79 और 80। अभी मैं आपके सामने लिखता हूँ, अपना ध्यान देखना, तो जो लिखता हूँ ना लिखते वक्त जो हे होती है वो कैसे लिखते हैं सर, और जो दूसरी हे होती है वो कैसे लिखते हैं, तंदाने के दिन लगाते हैं, बच्चों गौर करना और करना साहब। बच्चों मैंने अभी ये कुंडली लिखी है जिसे के 76 है ना, 76 में ये जे ए ये वाली है, और ते रे ये है ना, इसका से हो रहा हो ये 76 77 77, ये सीन के तीनों तंदाने बराबर हो, ये वाले ते का थोड़ा लंबा था, बहुत ज्यादा लंबा ना हो, बस मुनासिब था, सीन से ज्यादा हो, और आगे भी आगे और आगे फिर रे है, रे सिर्फ ऐसे ना लिखी, ऐसे नहीं लिखनी है बल्कि सीधी लिखनी है आगे। इसी तरह 78 है, ये टी उसके बाद ये तो इस लफ्ज़ को लिखते हुए कंफ्यूजन हो जाती है, इस लफ्ज़ को लिखते हुए कंफ्यूजन हो जाती है, 79 89। उसके बाद बच्चों 80 जब आप लिखो ना, तब आप ये ये ऊपर ना जाए, ये गोल ये ऊपर ना जाए, और अभी मैंने अभी बताया 89 और 79 का फर्क जो होता है, अगर बच्चों आप अपने माइंड में माइंड बाहर बना रहे हैं ना, तब आप जिंदगी भर कभी की भूलेगा नहीं, वो बात कौन सी है, जैसे आपकी दादी अम्मा भी हैं, दादा बूबी है, नानी अम्मा भी हैं, नाना बूबी है, अगर वो दुनिया में जिंदा नहीं है जगह और अगर वो जिंदा है अब ये 89 का है ना, 89 आप उस चीज को ना मद्देनजर रखना, आपका आपका यानी बेटियां जो है बेटियों का और नानी अम्मा का,
बेटी का और नानी मगा ने मगा होता है ना, एक लड़की का और नानी मगा जो रिश्ता होता है ना, नवासी होता है, आम नवासी को होते हैं। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ना वो लफ्ज ऐसे लिखते हैं निवासी निवासी जो रिश्ता होता है, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए याद कर लेना कि निवासी जो है बेटी नाइन होता है और रिश्ता भी होता है। इसी तरह निवासी जो है वो सेवन नाइन होता है। जब आप इस बात को याद होगा ना तो भी ये माइंड से बात और नहीं होगी, उस जिंदगी भाई जिंदगी भाई जा रहे हैं। उम्मीद है बच्चों आप जरूर इस बात को मैंने आपको बताया है, रखेंगे ना आप।